एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ रश्मि फूड प्लाजा में। तो आज की जो रेसिपी मैं आप सभी के सामने लाने वाली हूँ वो है चॉकलेट बिस्किट रोल। बिल्कुल सही सुना आपने, चॉकलेट बिस्किट रोल, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने का जिसमें शुगर होता है। हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप डेली खाओ कोई भी ऐसा वेनिला फ्लेवर बिस्किट लाइक सनफीस्ट, पार्ले जी, आप वो बिस्किट भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आप बिल्कुल यकीन कीजिएगा कि ये जो चॉकलेट बिस्किट रोल है ये बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये जो मैंने डिश बनाया था ये मेरे घर में 2 दिन से भी ज्यादा नहीं टिक पाया। सबको इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो 1 से 2 दिन में खत्म हो गया। बच्चों से लेके बुजुर्ग को भी आप टेस्ट कराएंगे तो वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा उनको कि ये इसमें बिस्किट यूज किया है हमने। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें माइक्रोवेव या गैस का किसी भी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें चॉकलेट मेल्ट करने के लिए गैस का इस्तेमाल या ओवन या माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। और हमें इसको हिट करना ही नहीं है। तो ये कितना इजी है ना कि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप बना सकते हैं। इसके लिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अब सीधा बढ़ूंगी अपने इंग्रेडिएंट्स की ओर ताकि आप अपने घर में फटाफट बनाएं और इसका आनंद उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की ओर। ये 150 ग्राम मैंने वेनिला फ्लेवर बिस्किट लिया है, इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट को ग्राइंड करके मैंने पाउडर के फॉर्म में बना लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे ग्रेटेड कोकोनट 3/4 कप। आप इससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ग्रेटेड कोकोनट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बिस्किट चॉकलेट रोल में बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़ी चम्मच घी, मेल्टेड घी यूज करेंगे हम, 2 बड़ी चम्मच पिस्ता, 4 बड़ा चम्मच काजू, 4 बड़ा चम्मच बादाम, बारीक से चॉप कर लेंगे, फिर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ही बारीक से हम चॉप करेंगे और फिर हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे एक स्पून की हेल्प से। ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि सारा जो भी इसमें मैंने यूज किया है ड्राई फ्रूट्स, ग्रेटेड कोकोनट, घी, सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम एक बार हाथ से भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो इक्वल मिक्स हो जाए। ये देखिए ऐसे एकदम अच्छे से हल्के हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने 1/2 बाउल दूध लिया है, अब हम इसको इससे मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के पहले मिक्स करूंगी। आपको जितना दूध यूज में आए आप उतना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा मिल्क आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये चीज का ध्यान रखें। ये दूध जो है वो ठंडी है बट मैंने इसको पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। ये देखिए जब दूध अच्छे से कंबाइंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो ये अपने आप एक आटे की लोई की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये एक साथ आ जाएगा, तो हम इसमें दूध डालना बंद कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। ये डार्क चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। अब ये मिक्सर की हेल्प से हम इसको शेप देंगे। आप छोटा बड़ा आपका जो भी मन करे आप उस हिसाब से शेप दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने सारे रोल को बना के एक बार रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। ये मेल्टेड डार्क चॉकलेट, इसके अंदर हम अपने रोल को ऐसे डिप करेंगे और चॉकलेट का लेयर ऊपर ऐसे डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से डालेंगे, फॉर्क की हेल्प ले लें ताकि वो टूटे ना, और इसी से उठा के हम एक बटर पेपर या कोई भी फॉइल के ऊपर आप इसको डाल दें। इसी प्रकार से हम सारे बिस्किट रोल को रेडी कर लेंगे। अब हम इन सभी को फ्रिज में डालेंगे 1/2 आवर के लिए। फ्रिज से निकालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ आपको। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ये ऑप्शनल है, ये मैंने अभी डाल दिया, आप चाहो तो डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लेवर में। तो ये आपने देखा, मैंने आपके सामने एक टेस्टी चॉकलेट बिस्किट रोल बना के तैयार कर लिया है जिसमें मैंने भर भर के नट्स भी यूज किए हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमें बिल्कुल खाना चाहिए। और हमने ऐसे बिस्किट यूज किया है कि आप इसको इजिली मार्केट में खरीद सकते हो और बहुत ही कम बजट में। आप इंतजार किसका कर रहे हैं, वीडियो खत्म होने का? तो बिल्कुल वीडियो खत्म हो गया है, तो आप अपने घर में जाएं और अपने किचन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करें और अपने घर में बनाएं चॉकलेट बिस्किट रोल और इसका उठाए और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी जो कि बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। भर भर की लाइक आना चाहिए इस वीडियो के ऊपर। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूलें। अपने बड़े और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर में ये रेसिपी बना के सबके साथ एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच।